नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, या हमारी 101 फॉर्मूला ट्रिक्स की वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम सातवां फॉर्मूला करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको रैप फॉर्मूले के एक यूज के बारे में बताएंगे कि रैप फॉर्मूला का क्या इस्तेमाल है। क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले जानिए कि रैप फॉर्मूला होता क्या है और करता क्या है। रैप फॉर्मूला का अर्थ होता है रिपीट करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर रैप लगाया और इसको सिलेक्ट करके मैंने बोला कि 5 टाइम रिपीट करे, तो वो ए को 5 बार लिख देगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें समझना होगा पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो डेटा बार होता है, ये जो बार हमने अभी क्रिएट किया हुआ है, जिससे पता चलता है कि हमारी कौन सी सेल की वैल्यू कितनी है, कौन सी सेल की वैल्यू कितनी है, ये जो हमें पता चल रहा है वो पता चल रहा है बार से। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि ये चीजें है, एक तो 2007 ऑनवर्ड, दूसरी इसको कॉल नहीं की जा सकती है, इस पर कंडीशंस नहीं लगाए जा सकते, तो हमें एक इसी तरह का सेम चीजें यहां पे चाहिए जिसको हम कहीं पे कॉल कर सके, फॉर्मूले के जरिए लुकअप कर सके, या फिर कंडीशंस में हम कंडीशन लगा सके। मतलब कि वो टेक्स्ट होना चाहिए, नॉट अ फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेटिंग को कोई भी फॉर्मूला रीड नहीं करता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कंडीशंस की इफ, माफ कीजिएगा, इफ नहीं होगा इसमें, इसमें होगा रैप्ट, रैप्ट, और रैप्ट में हमने करेक्टर में लिया इस करेक्टर को। ये आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस के जस्ट बगल वाली की होती है, और इसको डबल क्लिक कर, इसको क्लिक करके एंटर मार देता हूं मैं, तो ये इस तरह का फॉर्म बन जाता है। फिर भी ये कुछ सही तरीके से तो नहीं हुआ। इसको बार के जैसा दिखाने के लिए हमें अपने फॉर्मेट में आना होगा, और फॉर्मेट में हमारे पास होता है ब्रिटैनिक बोल्ड का। ब्रिटैनिक बोल्ड को हम आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ब्रिटैनिक बोल्ड में आप देखिए यहां पे इस तरह का बन गया, लेकिन काफी बड़ा बन रहा है, मुझे एक सेल में चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम देख लेंगे कि नंबर क्या है, उसका एक एवरेज निकाल लेंगे कि भाई क्या हो सकता है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। 5 से मैंने डिवाइड कर दिया सब, मैं देखा कि 100 के आसपास है, 5 से डिवाइड कर दिया और हमारा एक बार बन गया। इसको कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर करना है तो कैन आप यहाँ फॉन्ट कलर इसकी चेंज करेंगे तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज होगा। लेकिन मुझे, मेरे पास माइनस और प्लस दोनों में, तो क्या करें? उसके लिए यहां पे थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इफ हमने सेलेक्ट किया और बोला कि लेस देन इक्वल टू, अगर ये 0 है तो इस साइड आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे रैप्ट का फॉर्मूला लगे, और रैप्ट के फॉर्मूले में मैंने ले लिया कॉमा और ये सिलेक्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि रैप्ट माइनस में काम नहीं करता है, रैप्ट जो है माइनस में काम नहीं करता है, और जो फॉल्स पार्ट है उसको, फॉल्स पार्ट को हमने यहाँ पे कॉमा करके दे दिया ब्लैंक। तो यहां पे देखिए एरर आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस में रिपीट कैसे करेगा? तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एबीएस का। तो जो ए हमने G2 सेलेक्ट किया है, खाए तो मैं इसको माइनस में इस तरह से लिख दूं और फिर नीचे ड्रैग कर दूं तो माइनस प्लस में हो जाएगा, आ गया, या फिर एबीएस का फॉर्मूला लगा दे। सेम फॉर्मूले को मैं यहां पे कॉपी करूंगा और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, बस इसमें कंडीशन हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन को चेंज करना है और इस माइनस सिंबल को हटा देना। अगर एबीएस लगाया होगा तो हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस को प्लस रहने देता है, और फिर इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके इसके ऊपर हम ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई करते हैं, और इन दोनों में मैं वही डिवाइड बाय 5 कर देता हूं,
ताकि छोटा दिख जाए। और फिर मैं इसको लेके यहां से राइट साइड कर देता हूं और नीचे इसको मर्ज करता हूं, और मर्ज करने के साथ साथ हम ऊपर वाली एक ये जो आती है ना बॉर्डर वो अप्लाई करते हैं, और इसको सेलेक्ट करके जो साइड वाली बॉर्डर होती है ये इसको अप्लाई कर देते हैं। इसको कर देते हैं रेड कलर और इसको कर देते हैं ग्रीन कलर। और आप चाहो तो और अच्छा दिखाने के लिए पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइन को हटा सकते हो। तो एक सही तरीके में आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूले का ट्रिक। तो दोस्तों ये हमने वीडियोज यूट्यूब पे डाले हैं, प्रमोशनल्स डाले हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट हमारी कंप्लीट एक डीवीडी लेते हैं 101 फॉर्मूला का या एडवांस एक्सेल का या वीबीए मैक्रो का या टैली का तो ले सकते हैं। हमने टैली की भी रिकॉर्डिंग बनाई है, एक निकिता हमारी ट्रेनर है उन्होंने टैली की डीवीडी बनाई है, और हाल में हमने टैली की डीवीडी लॉन्च करने जा रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, हमने कुछ पीसेज बेचे भी है और हमारा रिस्पॉन्स अच्छा आया है। तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे कोई दिक्कत होती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। iptindia.com पे जाके आप हमारे डीवीडी को परचेज करें। जैसे डीवीडी को आप परचेज करेंगे तो आपको 24 घंटे में उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको बाय मेल पे आ जाएगी, और हार्ड कॉपी आपको 5-7 दिन में बाय पोस्ट बाय कुरियर आपके घर पे पहुंच जाएगी। अगर रास्ते में डीवीडी क्रैश हो जाती है, डीवीडी वर्क नहीं करता है, तो हम वापस डीवीडी को रीसेंड भी कर देंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर इन फ्यूचर में आप डीवीडी आप हमारा परचेज करते हैं, इन फ्यूचर में आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जी हाँ, हम लोग गोटू मीटिंग के जरिए लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस देते हैं। ये जो आप डीवीडी देख रहे हैं जो होता है वो लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग होती है, लाइव क्लासेस ही हम प्रोवाइड करते हैं 1-to-1 रिमोट शेयरिंग सिस्टम से। वेबिनार के थ्रू आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं और अपने हर डाउट मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं और हर चीज मेरे साथ पर्सनली सीख सकते हैं। इसके लिए हम लोग डेमो क्लासेस भी देते हैं पहले, तो सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट iptindia.com पे मिलेगी, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको सामने स्क्रीन पे आ रहा है। या फिर आपको काम करते समय एक्सेल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है और आप किसी की आप सहायता चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे फ़ोन करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं, हम आपको फ्री हेल्प देंगे। कमेंट में अगर आप कुछ पूछते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैंने करीब 1600-1700 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं, और 1700 वीडियो की कमेंट्स अगर आती है, मान लीजिए डेली ये 2 कमेंट्स एक वीडियो पे आते हैं, तो 3200 कमेंट्स को देख पाना मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट्स के जरिए नहीं, डायरेक्टली फ़ोन करके पूछो। मैं नंबर क्यों दे रहा हूँ, मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ ना ताकि आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करें और डायरेक्टली मुझसे पूछें, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। तो मुझे आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा, और डीवीडी परचेज करना चाहते हैं उसका भी इंतज़ार रहेगा, और आप हमारे लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो उसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें।